हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज समोसा बनाने चल रहे हैं, तो हम एक कटोरी मैदा लिए हैं, उसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है ये मिला रहे हैं। ये दो तीन चम्मच हम ऑयल मिला रहे हैं इसमें। अब इसको हम पहले इस तरह से मिला लेते हैं अच्छे से। ये हम इसमें देखिए इसको अच्छी तरीके से मिला लिए, तो ये कैसे मुट्ठी बन रहा है, ये पूरा मिल गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा। पानी डाल को हमको आटे जैसे सानना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ना तो गीला ही। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके सानेंगे। ये हम आटा गूंथ लिए हैं, तो हमारा आटा एकदम सॉफ्ट है और देखिए एकदम मुलायम भी है। इसको हम ढक देते हैं, तब तक आलू मसाला तैयार कर लेते हैं। हम आलू छोटी छोटी लिए थे, तो आलू बॉयल कर लिए हैं और ये छील लिए हैं, तो इसको हम इस तरह फोड़ लेते हैं। ये हम मूँगफली थोड़ा सा इसमें पहले फ्राई कर लेते हैं। मूँगफली फ्राई हो गई है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन रख दिए हैं, इसमें हम तेल डालते हैं। हम इसमें डालेंगे पचफोरन आधा छोटा चम्मच। एक चम्मच हम लिए हैं मिर्चा लहसुन अदरक है हमारा। ये हमारा ब्राउन हो गया है, तो इसमें हम आलू डालेंगे जो मैं किए थे। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये मूँगफली भी फ्राई किए हैं, तो उसको भी हम डाल लेते हैं। ये हम इसमें दम आलू मसाला डाल रहे हैं। एक चम्मच हम दम आलू मसाला डाल रहे हैं। अमचूर डाल रहे हैं एक चम्मच। एक चम्मच अमचूर इसमें डाल दे रहे हैं। इसको मिला दे रहे हैं। अब हम इसमें नमक भी मिला दे रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के हम पका ले रहे हैं। हम इसमें हरी धनिया मिला रहे हैं। ये हमारा आलू मसाला बनके तैयार हो गया है, तो इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, गर्म हम नहीं बनाएंगे। इसको हम फैला देते हैं तब तक ठंडा हो जाए। और ये मैदा है हमारा, तो ये सेट हो गया है। इसको हम लेके छोटी छोटी लोई बना के तब इसको बेल लेते हैं। ये हम इस तरह लोई बना के रख लिए हैं। ये हमारी लोई पूड़ी जितनी है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। इसमें हम सूखा मैदा लगाएंगे, इस तरह हम इसको बेलेंगे। तो ये गोला नहीं हमको बेलना है, ये लंबा ही बेलना है। इसको हम बीच से कट कर देंगे। इस तरीके से हम कट करके रख ले रहे हैं और हम बना ले रहे हैं। इस तरीके से हम लोई बना के रख ले रहे हैं, तब बनाएंगे। ये हम बेल के रख लिए थे, इसको कट कर लिए हैं। और हम कटोरी में पानी लिए हैं, हमारा ठंडा पानी है। हम इसको आधी दूर तक ऐसे लगाएंगे, उसके बाद हम इसको जिसमें लगाए उसे ऊपर करेंगे, जिसमें नहीं लगाए उसको नीचे करेंगे। इस तरह से उंगली अंदर डालेंगे, तो इसको इस तरह से दबा लेंगे हम। अब हम इसको ऐसे हाथ पे रखेंगे, इसमें हम आलू भर के तब इसको फोल्ड करेंगे।
अब इस तरफ हम पानी लगाएंगे। ये हम मोड़ दिए हैं, अब इसको हम पलट के दोबारा मोड़ेंगे। इस तरफ से मोड़ के ये हमारा समोसा बन गया है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे, ये हमारा इस तरह समोसा बन गया है। तो इसको हम तेल में फ्राई करने चल रहे हैं। तेल हम रख दिए हैं गरम होने के लिए। तेल हमारा ना ज़्यादा गरम है ना ज़्यादा ठंडा है, मीडियम है। तो इसको इस तरीके से हम डाल रहे हैं इसमें। ये हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। धीमी आंच में हम पकाए थे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं किए थे। इसको हम निकाल लेते हैं। अभी एक बाद में डाले थे तो कम पका है इसको। ये हमारा समोसा बन के रेडी हो गया। ये देख लीजिए कितना खस्तम बना है और बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।